जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर। बच्चे आपका दो एक्सरसाइज आपकी जो पार्ट 3 सवाल नंबर बच्चे आपका 2 3 है। तो बच्चों सवाल को अच्छी तरह समझा करें। k की कीमत मालूम करें। अगर x का स्क्वायर जमा 2x जमा 2k जमा 1 के रूट्स के वर्गों का मजमूआ 6 है। कि ये बच्चे इस शर्त के तहत आपने हल करना है कि रूट्स के वर्गों का मजमूआ आपका जब 6 हो तो किसी फार्मूला अपनाएंगे। उस फार्मूले में कीमत दर्ज करने के बाद आपने के की कीमत को फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो बच्चों देखिए पहले कुछ बात लिखिए कि x का स्क्वायर जमा के 2kx जमा 2k जमा का 1 बराबर 0 के। तो बच्चों ये ब्रैकेट का होना लाजमी है। अगर ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा ले, नहीं लगाने को लाजमी नहीं है। पहले बच्चों इसका ए बी सी ए की कीमत निकाल लें। ए की कीमत 1 आ जाएगी क्योंकि x स्क्वायर के शुरू में क्वेश्चन लिखा था 1 होगा। और b बराबर बच्चे आ जाएंगे 2k जबकि c बराबर आपके आ जाएंगे 2k जमा का 1 क्योंकि ए बी सी की कीमतें हमने लिख ली हैं। तो इसके में रूट्स फर्ज करने पड़ेंगे। फर्ज किया के रूट्स फर्ज किया के दूसरा बात के रूट्स अल्फा और बीटा है। तो बच्चों रूट्स फर्ज करने के बाद आपने देखना है कि इसमें हमने मालूम क्या करना है। तो बच्चों देखिए सवाल की शर्त में दी हुई है। ये सवाल की शर्त लिखना चाहे आप लिख भी सकते हैं कि दी की शर्त के मुताबिक ये उन्होंने खुद ही दी हुई है, लिखना चाहे तो लिख रहे। ये लिखो बच्चों के रूट्स के मरबों का मजमुआ। तो बच्चों मतलब ये कि अल्फा आपने फर्ज किया रूट इसका भी मरबा और बीटा जो आपके लिखे हैं इसका भी मरबा इनके मरबों का मजमुआ बराबर 6 के है। बच्चों ये चीज उन्होंने दी हुई है रूट्स के मरबों का मजमुआ के रूट जो आपने फर्ज किए अल्फा स्क्वायर इसका मरबा प्लस दूसरे का मरबा ये बराबर 6 के। तो बच्चों की शर्त उन्होंने दी हुई है। तो आपने अब ये वाली कीमत भी किसी फार्मूले में दर्ज कर ली। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। ये वाला फार्मूला आपके इस्तेमाल होगा a प्लस b का स्क्वायर ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों फार्मूला आपके यही इस्तेमाल होगा। सिर्फ हमने क्या करना है कि a की जगह पे हम अल्फा लिखेंगे b की जगह पे हम लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आपके हो जाएगा। तो ये आपके आ गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इनटू अल्फा बीटा। यानी हम ए बी की बजाय हम यहाँ पे अल्फा बीटा लिखेंगे। तो बच्चों आपने बेसिकली इस फार्मूले की कीमत दर्ज करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये कीमत आपके पास दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास नहीं है और अल्फा इंटू बीटा आपके पास नहीं है। अगर ये कीमत बच्चों आपके पास आ जाए तो इसकी दर्ज करके आप ए की कीमत निकाल सकते हैं। बच्चों आपने इसको करना नहीं है, रफ अमल का हिस्सा है, ये सब समझाने के लिए लिखा है। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि रूट्स के मुरब्बे को जाहिर करता है मजमुए को। तो पहले हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ ये बच्चों बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के क्योंकि हमने इसकी कीमत अल्फा प्लस बीटा की कीमत निकाल ली है। और ये बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। डी की कीमत ऊपर बच्चों हमने निकाली हुई है माइनस के 2 के और बटा 1 एक की जगह पे हम 1 लिखेंगे। तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस के 2 के। तो बच्चों ये बटे में एक जो होगा ये आगे नहीं चलेगा क्योंकि एक दफा कीमत दर्ज करके हमने लिखा है। इस तरह बच्चों आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कीमत भी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की कीमत भी आ गई। अब सिर्फ आपके पास रह गया अल्फा इनटू बीटा जो कि जाहिर करता है रूट्स के हासिले ज़र्ब को। रूट्स का हासिले ज़र्ब जो कि बच्चों बराबर होता है अल्फा इनटू बीटा के और अल्फा इनटू बराबर होता है सी बटा ए के। तो सी की कीमत हमारे पास थी 2 के जमा का 1 बटा ए की कीमत। ए की जगह पे आपका 1 है तो बच्चों 1 बटे में सिर्फ कीमत दर्ज करते हुए लिखा जाएगा, बाद में हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह बच्चों आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की भी अल्फा प्लस बीटा की भी और अल्फा इंटू बीटा की भी। सारी कीमतें बच्चे हमने इस फार्मूला में दर्ज करनी है। बच्चों फार्मूला आपने दोबारा लिखना है यहाँ पर क्योंकि अब हम हल कर रहे हैं। वो मैंने समझाने के लिए सिर्फ अल्फा का हिस्सा लिखा था। तो ये आपके अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो बच्चों ये आपका है फार्मूला। इस फार्मूला में कीमतें दर्ज कर दें। फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की कीमतें दर्ज करने से बच्चों इसकी जगह पे आपके आ जाएंगे माइनस के दो के का स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसकी कीमत भी आपके पास है 6 है प्लस 2 इनटू अल्फा बीटा की कीमत बच्चों आपके पास है ब्रैकेट दो रकमें हैं तो ब्रैकेट आप लाजमी लगानी है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर सिर्फ जरब लगा कर लिखेंगे तो इसका मतलब दो सिर्फ दो के से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो बच्चों यहाँ पे आपके है कि ये दो आपका पूरी रकम अल्फा प्लस बीटा की कीमत से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आपने ब्रैकेट बच्चों लाजमी लगानी है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो ये आपके पास जाएगा बच्चे दो का स्क्वायर चार हो जाए के का स्क्वायर बराबर 6 तो ये 2 4 से दो दो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 के और 2 1 से मल्टीप्लाई तो बच्चों आपके आ जाएगी 2 और 4 के का स्क्वायर 6 और 2 आपके हो जाएंगे 8 जमा के 4 के और सारे रकम बच्चों कर ले एक तरफ तो ये आपके 4 के का स्क्वायर माइनस के 4 के माइनस के 8 बराबर 0 इसमें 4 कॉमन भी निकल सकते हैं तो बच्चों 4 कॉमन आ जाएगा के का स्क्वायर इस तरह के माइनस के 2 बराबर 0 के बटा 4 और बटा 4 ये आपका कैंसिल हो गया तो इस तरह बच्चों आपके पास बच जाएगा के का स्क्वायर माइनस के और माइनस के 2 बराबर 0 के तो बच्चों अभी ये आपके पास एक उपसवाद बन गई है इसको हम हल करेंगे तो ये आपके पास है के का स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0 के तो बच्चों इसके हम करेंगे तंजी इसे सिर्फ क्या है तो माइनस के 2 के बनते हैं तो माइनस के 2 के ले लेंगे और प्लस का के ले लेंगे माइनस के 2 बराबर 0 के क्योंकि माइनस के 2 में से एक के निकलेगा बाकी माइनस का एक के ही बचता है और माइनस के 2 के जब के से मल्टीप्लाई तो बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर बनता है ये जोड़े में कॉमन आपका के निकलेगा बाकी आपके पास रह जाएगा के माइनस के 2 ब्रैकेट इसमें एक कॉमन निकलेगा बाकी आपके पास रह जाएगा के माइनस के 2 और बराबर 0 के तो बच्चों ये जोड़े वाली रकम आप कॉमन ले लेंगे k माइनस 2 इनटू ये आपका k और जमा का 1 k जमा का 1 बराबर 0 के k माइनस 2 ये भी बराबर 0 के और k जमा का 1 ये भी बराबर 0 के तो k बचे हमने k की कीमत निकाल ली माइनस को तो दाएं तरफ जाकर आपकी हो जाएगी प्लस के ये कीमत निकलेगी और इसमें अब ये जमा का 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपको बन जाएगा माइनस का 1 तो इस तरह बच्चों k की आपके पास दो कीमतें निकलती हैं k बराबर 2 के और k बराबर माइनस के 1 के तो ये दो कीमतें निकलती हैं बच्चों 2 निकले या 3 निकले आपका इससे तलक नहीं है आपने कीमत जो होती है वो फाइंड आउट करनी है चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 कीमतें निकले तो बच्चों इस तरह आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाती है बच्चों ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और जिसके लिए आपके पास 10 से 12 मिनट बच्चों आपके पास है डबल टाइम तकरीबन कंसीडर कर लें चार नंबर का आएगा तो 8 से 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा बच्चों आपके पास 12 मिनट होते हैं लॉन्ग ही है बहुत ज्यादा बोर्ड के पेपर में आपके आ चुका है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।